नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे टकराव के ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, और इनका क्या प्रभाव पड़ता है, लाल किताब में इनके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों टकराव के ग्रह लाल किताब ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको प्रिडिक्शन करने के लिए, लाल किताब को समझने के लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब के अनुसार टकराव के ग्रह क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों लाल किताब की जो ग्रामर है वो वैदिक ज्योतिष से काफ़ी हद तक अलग है। लाल किताब के अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों टकराव के ग्रह। मतलब एक ग्रह कब दूसरे ग्रह को टक्कर मारता है। दोस्तों हर ग्रह अपने से आठवें भाव में, आठवें घर में, आठवें खाने में, तो हर ग्रह अपने से आठवें भाव में बैठे हुए ग्रह से दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है और उसके शुभ प्रभाव की हानि करता है। अब वो ग्रह चाहे उसका नैसर्गिक मित्र ही क्यों ना हो, दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें स्थान पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे से छठे आठवें स्थान पर बैठ जाते हैं, वो चाहे आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, तब दोस्तों उनकी मित्रता और शत्रुता का इतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि ऐसी स्थिति में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे से शत्रुता ही करते हैं। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में जो ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें भाव में बैठते हैं तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों षडाष्टक कहते हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति जिस भी जातक की कुंडली में बन रही है तो ग्रहों की ऐसी स्थिति जातक पर मंदा असर देती है। अब दोस्तों मान लीजिए एक ग्रह पहले भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, और दूसरा ग्रह आठवें भाव में है, एट्थ हाउस में है, तो दोस्तों पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह आठवें भाव में बैठे हुए ग्रह की जड़ काटेगा, मतलब उस पर अपना पूरा अशुभ प्रभाव डालेगा। अब दोस्तों आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह पहले भाव में बैठे हुए ग्रह पर अपना असर नहीं डाल सकता, इस बात को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों षडाष्टक योग, एक दूसरे से छठे आठवें बैठने का योग ग्रहों का, तो षडाष्टक योग अगर दोस्त ग्रह बना रहे हों तो मंदा असर कम होता है, और दुश्मन ग्रह बना रहे हो तो मंदा असर बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों मंदा असर तो होता ही होता है। दोस्तों लाल किताब के हिसाब से कोई भी ग्रह अपने से आठवें घर के ग्रह के टकराव में होता है, और जो ग्रह पहले भाव और आठवें भाव में हो तो उन्हें टकराव के ग्रह कहते हैं, और इसका असर मंदा ही होता है, चाहे ग्रह आपस में दोस्त हैं या दुश्मन हैं। अब दोस्तों मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में पांचवें घर में चंद्रमा है और टेंथ हाउस में दसवें घर में बृहस्पति बैठा है। अब बृहस्पति और चंद्रमा दोस्तों दोनों आपस में मित्र हैं, पर
यहाँ पर ये एक दूसरे से छठे आठवें भाव में बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा पांचवें घर में है और बृहस्पति दसवें घर में है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में चंद्रमा बृहस्पति से आठवें भाव में है तो बृहस्पति टक्कर मारेगा चंद्रमा को और चंद्रमा के फल को बृहस्पति खराब कर देगा। दोस्तों आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, दोस्तों इसमें ग्रह नहीं है लेकिन ये आप तीर के निशान देखेंगे तो ये तीर के निशान किन्हीं खास घरों से शुरू होकर किन्हीं खास घरों पर ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जहाँ एक नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस आप देखेंगे कि तीर शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है आठवें घर में, मतलब पहले घर में बैठा हुआ ग्रह आठवें घर में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा, उसकी जड़ काटेगा। अब ऐसे ही आप सेकंड हाउस में देखें दूसरे घर में, तो यहाँ से ये एरो शुरू होकर ख़त्म हो रहा है नौवें घर में, क्योंकि तो दूसरे से जो नौवां घर है वो दूसरे से आठवां हुआ नौवां घर, तो दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह नौवें घर में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। ऐसे दोस्तों तीसरे घर में आप देखेंगे तो यहाँ से एरो जा रहा है दसवें घर में, दसवें घर में ख़त्म हो रहा है, तो तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह टक्कर मारेगा दसवें घर में बैठे हुए ग्रह को। अब दोस्तों जैसे तीसरे घर में भी बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक एरो आ भी रहा है, मतलब ये छठे आठवें की इसमें कंडीशन देखनी होती है। अब जो एरो आ रहा है तीसरे घर में वो आ रहा है आठवें घर से, तो आठवें से आठवां हुआ दोस्तों तीसरा घर, तो अब आठवें घर में बैठे हुए ग्रह तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेंगे। ऐसे ही नौवें घर को आप देखेंगे तो नौवें घर से एरो शुरू होकर चौथे घर पे ख़त्म हो रहा है, तो नौवें से आठवां हुआ चौथा घर, तो फोर्थ हाउस हुआ। अब दोस्तों नौवें घर में बैठे हुए ग्रह नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेंगे। अब चाहे ये दोनों ग्रह आपस में मित्री क्यों ना हो लेकिन नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को टक्कर ही मारेगा और उसके असर को मंदा ही करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।